आ जाओ। या तो समझ में नहीं आई तुम लोगों को। चलो जी, सना जी, सना सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चे? जी वालेकुम सलाम सर। सर कल हमने SEO का हमारा सेकंड जो लेक्चर था उसमें हमने लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। बेटा ठीक एक है। मिनट, बेटा मेरी क्लास हो रही है जी। तो सर आपने लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल के बारे में बताया था कि जो सर्च वॉल्यूम होता है जितना वो ज्यादा होता है उतना डिफिकल्टी ज्यादा होती है। ठीक है, सर्च वॉल्यूम जितना ज्यादा होता है उतनी डिफिकल्टी ज्यादा होती है, बिल्कुल सही है। और जो लॉन्ग टेल और जो लॉन्ग टेल होते हैं कीवर्ड्स उनकी सर्च वॉल्यूम जो है वो कम होता है और उसमें डिफिकल्टी कम होती ठीक है, बिल्कुल सही। है। सही और चलो इतना ही काफी है तुमसे, बाकी किसी और से सवाल पूछते हैं। वेल डन सना, थैंक यू। ओके सर। सुमेरा नसीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सुमेरा ये बताओ, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कौन से वाले होते हैं? इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, एक मिनट सर मैं इंफॉर्मेशनल जो सोच। इंटेंट होता है ना कीवर्ड का, जी, वो कौन सा इंटेंट होता है? जहन में भूल भुला तो नहीं गई हो? नो नो सर मैं रिकॉल कर रही हूँ ना जहन इनकी में। 3 टाइप्स मैंने बताई थी ना, एक इंफॉर्मेशनल जी जी बताई सर। थी, जी जी सर आपने इंफॉर्मेशन इंटेंट बताई थी, बिल्कुल नेविगेशन इंटेंट बताई थी, और लास्ट थर्ड लास्ट थी आपने बताई थी ट्रांसलेशनल इंटेंट बताई थी, ट्रांजैक्शनल, ट्रांजेक्शनल। बिल्कुल सही सही सॉरी सर। जी है, ठीक है। तो उसमें जो इंफॉर्मेशनल होती है उसमें हम, कोई एग्जांपल दे दो इंफॉर्मेशनल की, क्या एग्जांपल हो सकती है? लाइक जैसे सर हमने उस दिन दी थी कि वेयर इज चाइना वा लोकेटेड, और इसके अलावा हम जैसे कह सकते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है इस तरह, और जैसे व्हाट इज मतलब सीओ। हाँ, मतलब ये कि हम गूगल से पूछ रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जी हासिल कर रहे हैं गूगल से, जी जी सर सही। ठीक है, वेल डन मेरा। थैंक यू। अफसा। हाँ जी अफसा, अफसा यस सर उसका ये बताओ, मैं सवाल पूछता हूँ, मुझे ये बताओ कि अगर हम जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है उनको रैंक करने की कोशिश करें, या शॉर्ट टेल कीवर्ड को हम सेलेक्ट कर लें, तो क्या प्रॉब्लम जी होगी हमें? हाई डिफिकल्टी होगी फॉर हाई सर्च वॉल्यूम्स, मतलब सही वहां है, पे हम मतलब हमें सर्च करने, हमें उसको रैंक करने में डिफिकल्टी हो जाएगी। तो यस लेकिन उसमें सर्च वो भी तो होता है ना, बहुत मतलब सर्च वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होती है, तो ट्रैफिक भी उससे बहुत ज्यादा मिल जाती है वेबसाइट देखिए ना, को। सबसे पहले जो भी हम चीज सर्च करते हैं ना, सबसे पहले विकिपीडिया आती है, फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट आती है, जैसे फिर उसके बाद डॉन न्यूज आता है, न्यूयॉर्क न्यूज आता है, हमने कल देखा था। तो इतने ज्यादा बड़े बड़े हमारे पास आ जाते हैं, तो उनके उनका मुकाबला करना हमारे लिए मुश्किल होता है, और क्योंकि पीपल उनपे, लोग जो होते हैं वो उनपे ट्रस्ट बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा उन रिलाई कर रहे होते हैं, इस वजह से कोई हमारे आर्टिकल पे पहुंचेगा नहीं। वेल डन अफसा, शाबाश। बासित, बासित ये बताओ, अच्छा बासित भाग गया, सर नहीं नहीं आ गया। अच्छा बासित ये बताओ कि कोई नेविगेशनल कीवर्ड की कोई एग्जांपल जहन में आती है? जी सर बिल्कुल, जब हम किसी भी पेज के, हम किसी वेबसाइट के किसी सर्टन पेज पे हम पहुंचना चाहें तो हम नेविगेशनल कीवर्ड यूज करते हैं। लाइक मैंने तब भी एग्जांपल कोट की थी कि हम लिखें खादी समर कलेक्शन 2021, तो ये सर सही, एक तरह के नेविगेशनल कीवर्ड होगा सर। बिल्कुल सही पहुंचे हो बासित, वेल डन। नहीं, उस्मान खान ये खान बताओ, सर वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये बताओ कि लॉन्ग टेल के अंदर जो है वो सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता है कम होता है? लॉन्ग टेल में सर्च वॉल्यूम कम होता है। कम हो
जनमनान शुमाइला, नहीं नहीं हिरा मेरा ख्याल अनम्यूट होगी शायद, पता नहीं शुमाइला हिरा में से कोई एक को अनम्यूट किया मैंने, कौन है वो? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हिरा अनम्यूट हुई है, ठीक है। हिरा ये बताओ कि कीवर्ड सॉरी ऊबर सजेस्ट से हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है? सर हमने उससे एसईओ डिफिकल्टी लेनी है और हमने उससे लेना है कीवर्ड्स का नंबर लेना है कि कितनी जो है ना उसमें क्या कहते हैं उसको सॉरी सर्च वॉल्यूम, हाँ जी सर्च वॉल्यूम सॉरी यस सर्च वॉल्यूम एंड डिफिकल्टी, सर्च वॉल्यूम एंड डिफिकल्टी, सही हो गया, वेल डन हीरा। अच्छा लास्ट शुमाइला, शुमाइला कीवर्ड सर्फर और कीवर्ड सॉरी और ऊबर सजेस्ट, इनके अलावा और कौन सा टूल है जिससे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। कीवर्ड सफर के अलावा हमारे पास है कीवर्ड एवरीवेयर है, ऊबर सजेस्ट है, मॉज है। ठीक है जी सर, बिल्कुल सही किया। और कीवर्ड सॉरी ऊबर सजेस्ट से हमने कौन सी कंफर्मेशन लेनी होती है, या फिर मुझे एक सिंपल सी बात बता दो कि एक्सेल शीट के अंदर हमने क्या कुछ सर उसमें हम लोगों ने कीवर्ड्स लिखने होते हैं और हम लोग जब दो टूल्स यूज कर रहे होते हैं उनमें उनका सर्च वॉल्यूम और एसईओ डिफिकल्टी जो होती है वो हम लोगों ने लिखनी होती है। एक्सीलेंट, वेल डन शुमाइला। और अच्छा और कीवर्ड सजेशंस हम कहां-कहां से ले सकते हैं? कीवर्ड आइडियाज, मजीद कीवर्ड्स के आइडियाज कहां-कहां से ले सकते हैं? गूगल के एंड पे जो टैग्स होते हैं, रिलेटेड जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, सर्चेस होती हैं, उससे हम लोग ले सकते हैं। उसके अलावा सर हम लोग गूगल में सर्च बार में ड्रॉप डाउन करके वहां से भी हम लोग ले सकते हैं। सही है। उसके अलावा ऊबर सजेस्ट में कीवर्ड आइडियाज होते हैं, वहां से भी हम लोग वहां से भी ले सकते हैं। वेरी वेरी वेल डन शुमाइला, ठीक है। चलो सवाल मुक गए ने लाइक तो इंशाल्लाह कल दोबारा आना। अच्छा चलो लेट्स गेट गोइंग। मेरा अब एक ओवरव्यू लेने का मकसद था ऑब्वियसली कि आप लोग साथ साथ समझ रहे हो चीजों का, आप लोगों को आइडिया हो रहा है कि आइडिया आप लोगों को नहीं हो रहा। अच्छा एक सवाल मैं बल्कि और पूछना चाहता हूँ, ये एक शायद कॉन्सेप्चुअल सवाल है, मैंने बड़े टाइम लगा के समझाया था, कोई एक बंदा और वॉलंटियर जो आए कुछ सवाल का जवाब देना। एक मेरे जहन में सवाल है, गुलजमान। जी सर। हाँ गुलजमान, हम कोई भी हमारी वेबसाइट आर्टिकल है उसको हम रैंक कैसे करते हैं, किस तरीके से प्रोसेस क्या होता है रैंक करने का? सर आर्टिकल को सर हाँ सर, मतलब मेरी एक वेबसाइट है, मेरी एक वेबसाइट है, मैं किसी भी चीज के ऊपर कुकिंग के ऊपर मैंने एक रेसिपी के ऊपर मैंने एक वेबसाइट बना ली, तो कुकिंग रेसिपी के ऊपर अगर मेरी वेबसाइट बन गई है जी तो अब मैं उसको रैंक करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ? सर उसमें कीवर्ड चेक करेंगे पहले, कौन सा कीवर्ड मैक्सिमम यूज हुआ है उसका, एक तो टाइटल में कौन सा यूज हुआ है, दूसरा जो आर्टिकल हम चेक करेंगे उस साइट पे जो लिखे हुए हैं, जिस टॉपिक पे भी हमने लिखना है तो उसमें मैक्सिमम कीवर्ड कौन सा यूज हुआ है वो हम सर्च करेंगे इसके साथ। ठीक अच्छा सही है, थोड़ा सा एक एरर कर रहे हो, मैं एक और लाइक से पूछता हूँ पहले, जरा सुनना ठीक है, इसका जवाब मैं दूंगा अभी, ठीक है गुलजमान आपने इस मेरा जो जवाब होगा आपने सुनना है, लाइक तुम्हें जिंदगी ने एक और मौका दिया लाइक। वालेकुम सलाम सर, इसके अंदर हम एक तो कीवर्ड एनालिसिस करते हैं, कीवर्ड एनालिसिस के बाद जो सा हमारे रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं उसके अंदर जो कीवर्ड्स यूज किए होते हैं उनको देखते हैं, और लास्ट वन उसकी डेंसिटी को भी हम चेक करते हैं कि और डिफिकल्टी को भी चेक करते हैं। नहीं एक स्टेप तुम आगे जा रहे हो जरा, मैं थोड़ा सा पीछे हूं कि मेरी एक वेबसाइट बन गई, वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है, एक वेबसाइट बन गई है कुछ भी नहीं है वेबसाइट, मैं रैंक कैसे करूं उस वेबसाइट को, क्या करूं मैं, पहला स्टेप क्या लूं, क्या करूं? सर उसके ऊपर आर्टिकल्स के अगेंस्ट जो कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो आर्टिकल्स अभी है ही नहीं ना उस पे, आर्टिकल्स नहीं है तो सर उसका कीवर्ड एनालिसिस करेंगे सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग। तो ठीक है कीवर्ड एनालिसिस करके क्या करूं मैं? कीवर्ड एनालिसिस करके सर उसके अंदर से जो उसके अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड्स हैं उसको हम यूटिलाइज करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर आर्टिकल्स के अंदर। कैसे यूटिलाइज करेंगे? सर यूटिलाइज SEO बेस्ड जो कीवर्ड्स है ना वो हम उसकी बेस के ऊपर लिखेंगे आर्टिकल्स लिखेंगे।
आर्टिकल्स लिखेंगे. एग्जैक्टली एग्जैक्टली यहीं पे मैं तुम्हें लेके आना चाह रहा था कि बेसिकली हम लोग मैं कमेंट्स में भी देख रहा था, मेरा ख्याल है काफी लोगों ने तो पिक कर रहे थे मेरे सवाल को. बेसिकली हम लोगों ने करना क्या है, वापस म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है. लाइक वेल डन. बेसिकली मेरी वेबसाइट है जीरो पे, कुछ भी नहीं है. मैंने उसकी एसईओ करनी है, रैंक करवाना है. मैं क्या करूंगा, कीवर्ड रिसर्च करूंगा, जो कि हम लोग आजकल कर रहे हैं. कीवर्ड रिसर्च करने के बाद मैं देखूंगा कि कौन सा कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है, वो जो कीवर्ड भी होगा उसके ऊपर मैं एक आर्टिकल. फिर इसी तरीके से मैंने अगर 10 कीवर्ड्स निकाले हैं, अच्छे कीवर्ड्स मैंने 10 निकाले, तो ये लिस्ट तो हमारी बहुत लंबी बन जाती है ना, 100 की लेट से लिस्ट बन गई. 100 में से मैं देखता हूँ यार ये 5 या ये 10 कीवर्ड्स अच्छे हैं, तो उन 5 या 10 कीवर्ड्स के ऊपर मैं आर्टिकल्स लिखूंगा, ठीक है. और वो आर्टिकल्स बेसिकली रैंक होंगे, उन आर्टिकल्स की बेस के ऊपर मेरी वेबसाइट रैंक होगी. यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस? मतलब सबसे पहले वेबसाइट जीरो पे है, हमने कीवर्ड रिसर्च की, कीवर्ड रिसर्च करके हमने ढेर सारे कीवर्ड्स निकालिए, 5, 10, 15 हमने उसमें से शॉर्ट लिस्ट कर लिए कि ये अच्छे कीवर्ड्स हैं और इनके ऊपर अब हम आर्टिकल लिखेंगे. लेट्स अज्यूम मैं अभी स्क्रीन शेयर, ये हमने लेट्स से किया था. तो अब मैंने ये फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पहला, ये दो मैंने जो है वो फाइनलाइज कर दिया. मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये किए नहीं है, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि हमने ये वाले दो कीवर्ड्स फाइनलाइज कर लिए. एक है वेट लॉस टिप्स एट होम, एक है हाउ टू लूज वेट फास्ट विदाउट एक्सरसाइज. तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरा आर्टिकल नंबर 1 जो है उसका टॉपिक बन गया वेट लॉस टिप्स एट होम. मेरा जो आर्टिकल 2 है उसका टॉपिक बन गया हाउ टू लूज वेट विदाउट एक्सरसाइज, ठीक है. ये मेरे दो आर्टिकल्स बन गए. अब ये वाले जो दो आर्टिकल्स हैं इनको मैं, इनकी मैं बेसिकली एसईओ कर रहा हूं, एक मैं इसकी कर रहा हूं, एक मैं इसकी कर रहा हूं. इन दो आर्टिकल्स की बेस के ऊपर मेरी वेबसाइट रैंक कर रही है, ठीक है. जब भी आप, मैंने तुम दिखाया था तुम लोगों को कि जब भी मैं गूगल पे सर्च करता हूं तो आर्टिकल खुलता है हमेशा, पहले वेबसाइट का होम पेज नहीं खुल रहा होता, वो आर्टिकल का पेज खुल रहा होता है. बिरयानी की रेसिपी वाला पेज खुल रहा होगा, या कोरमे की रेसिपी का पेज खुल रहा होगा, या फिर किसी भी एक्स वाई जी कोई भी और जो टॉपिक है उस टॉपिक का स्पेसिफिक पेज खुल रहा होगा जिसमें एक आर्टिकल लिखा हुआ होगा, सही है. तो बेसिकली प्रोसेस क्या है कि हमने वेबसाइट को अगर रैंक करवाना है तो हम सबसे पहले हमने कीवर्ड रिसर्च कर ली कि हमने वेबसाइट किस टॉपिक के ऊपर बनाई हुई है, किस कैटेगरी के अंदर बनाई हुई है, उस कैटेगरी के अंदर हम कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं. तो 100-150 कीवर्ड हमने निकाल लिए, 100-150 में से हमें 10-12 कीवर्ड पसंद आ गए, उन 10-12 कीवर्ड्स के ऊपर हमने सब कीवर्ड के ऊपर एक एक आर्टिकल लिख दिया, ठीक है. अब उस आर्टिकल को हमने रैंक करवाना. अब ये वाला जो मैंने प्रोसेस बताया इसके हवाले से अगर कोई सवाल है तो वो बंदा हाथ खड़ा करे. अभी फिलहाल कोई और अगर आपका इशू है तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल जो मैंने भी चीज बताई है, अगर इसके रेलिवेंट आपका कोई सवाल है तो आप पूछो. जी अफसा. सर क्या हम ये दोनों जो टॉपिक्स हैं इन दोनों पे आर्टिकल एट द सेम टाइम अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं विद सेम कंटेंट बाय चेंजिंग, मतलब लिटिल बिट चेंजिंग? नहीं अफसा, उसका फायदा नहीं है कीवर्ड्स चेंज करके. नहीं वो चीज अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बिकॉज आपका जो कीवर्ड है वो आपके कीवर्ड्स मुख्तलिफ हैं. आपके कीवर्ड मुख्तलिफ हैं, ठीक है. आपका एक है वेट लॉस टिप्स एट होम कि आप घर में बैठ के कैसे वेट लॉस कर सकते हैं, दूसरा है कि आप एक्सरसाइज किए बगैर कैसे वेट लॉस कर सकते हैं. दोनों अलग अलग चीजें, दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक है. तो आपके अलग अलग आर्टिकल बनेंगे. जी सर, अगर हम ये करें कि वेट लॉस एट होम और हाउ टू वेट लॉस एट होम, नहीं ना, दो तरह से कंटेंट, नेविगेशनल और इंफॉर्मेशनल दोनों. जी दोनों हम हेडिंग्स चूज कर लेना, नेविगेशनल और वो वाले इंफॉर्मेशनल, और उन दोनों को यूज करके हम अगर सेम आर्टिकल कर दें अपने ही वेबसाइट पे तो इज इट पॉसिबल? देखो आप अगर कंटेंट सेम रखोगी तो आपके पास लिमिट, आप अपने आप को लिमिट कर रही हो. जिस बंदे को एक डिफरेंट चीज चाहिए आप उसको भी वही चीज दिखा रही हो, जिस बंदे को कोई और दूसरी चीज चाहिए उसको भी घुमा फिरा के आप अपनी चीज को लेके आ रही हो.
उनकी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है, वो कुछ और चीज पढ़ना चाह रहे हैं, कोई और चीज ढूंढना चाह रहे हैं, आप जो वो पसंद करते हैं आप उनको वो दिखाओ ना, बजाय इसके के जो आप पसंद करते हो आप उनको वो दिखाओ। मैं इस तरीके से तो 10 कीवर्ड्स हैं, मैं 10 के 10 कीवर्ड्स को थोड़ा थोड़ा से चेंज करके एक ही किस्म का आर्टिकल लिख दूं, मुझे लोगों को तो नहीं पसंद आएगा ना वो, क्योंकि लोग तो अलग चीज चाह रहे थे, अपनी पर्सनलाइज चीज चाह रहे थे जो वो ढूंढना चाह रहे थे, आप उनको वो चीज दो। ठीक हो गया सर? क्या हम कीवर्ड सर्च पे जैसे हम आर्टिकल लिखते हैं और आर्टिकल हम पब्लिश करने से पहले दो चार जो हमारे सराउंडिंग में लोग होते हैं हम उन्हें कहेंगे हमारा आर्टिकल पढ़ के से कर दें, बताएं कि आपको कितना अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये भी एक तरीका होना चाहिए हमारी, जैसे हम अपनी कोई पब्लिकेशन रिसर्च पब्लिकेशन करते हैं तो उससे पहले हम अपने आइडियाज शेयर करते हैं अपने कोलीग्स के साथ। कॉमन सेंस वाली बात है ना कि आप चीजों को करके पढ़ाओगी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एसईओ की स्ट्रेटजीज इससे रेलेवेंट नहीं है, ये तो एक वैसी चीज है, मैंने लिखा, मैंने कहा कि यार हाँ ये चेक करके बताओ अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, ये तो मेरी अपनी जाती है जो मैं करूँ ना अपनी जिंदगी में, नहीं सर अट्रैक्ट करने के लिए क्रिटिक्स की नजर से। हाँ तो वो आप कर लो ना, लेकिन नहीं सर अगर क्रिटिक्स हम लेने के लिए इस पे कितने लो जी। अब सर एक तो बच्चे बात सुनो, जरा कॉन्सेंट्रेशन से ना जवाब सुन लो, जरा ऊपर तले सवाल ना करो, सुन लो जवाब। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मैं अभी एसईओ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये इससे रेलेवेंट नहीं है तुम्हारा सवाल, मैं ये कह रहा हूँ वो एक अलग चीज में जा रही हो कि हाँ हम क्रिटिकली उसको दें, लोग इम्प्रूवमेंट दें, ऑब्वियसली वो तो कॉमन सेंस है कि आप जो भी चीज करोगे आप उसमें रिकमेंडेशन लोगों से पूछ रही होती हो ना, लेकिन इसका एसईओ स्ट्रेटजी जो हम अभी डिस्कस करें उससे ताल्लुक नहीं, मैं ये समझा रहा हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू, वेलकम। गुलजमान बच्चे जल्दी से फटाफट, सॉरी सर वो रेज हैंड रेज है, ठीक है गलती से हुआ था, ठीक है। इश्फाक जल्दी से सवाल पूछो। इश्फाक जल्दी से सवाल नहीं पूछना चाह रहा तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हमने कल क्या किया था, हमने कल दो टूल्स को पढ़ा था, एक कीवर्ड सर्फर था एक ऊपर सजेस्ट था। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने एक टूल इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को और भी कवर करूंगा, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एज वेल। मैंने आप लोगों को एक और भी बताया था कि एक और भी टूल मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा, उसका नाम है मॉस, ठीक है। ऑल्दो कि ये $150 पर मंथ है लेकिन मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ये चीज फ्री में कवर करवा देता हूँ कि आप लोगों ने इस टूल को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जी राबिया बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा मूविंग ऑन, नो कमेंट्स नाउ, अब आप लोगों ने कमेंट नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से देखना है और समझना है। मॉस की जब बात करते हैं तो मैं लेट मी ओपन मॉस, मॉस एक अच्छा वेल रिप्यूटेड और बड़ा टूल है, ठीक है। अगर आप इसको यूज करो तो उसके चार्जेस अराउंड $150 पर मंथ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहां पे अपना ईमेल देना है, कोई भी ईमेल दे दो, लेट्स से मैं दे देता हूं jamesalpha@gmail.com, डिस्प्ले नेम jamesalpha, पासवर्ड दे देता हूं मैं इसको जो मर्जी 123, कंपनी साइज
सबसे पहले आपने यहां पे जाना है, ठीक है, फिल आउट इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये जो भी इंफॉर्मेशन है, ईमेल एड्रेस जो मर्जी दे दो, डिस्प्ले नेम जो मर्जी दे दो, पासवर्ड जो मर्जी दे दो, ये ईमेल की वेरिफिकेशन नहीं करता, इसलिए जो मर्जी देना आपने देते रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी साइज, ये मैं एक ही दफा प्रोसेस करूंगा, रिपीट नहीं करूंगा प्रोसेस। कान खोल के अच्छे तरीके से गौर से सुनते जो ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। वंस अगेन आई एम रीस्टार्टिंग, कोई बंदा रिपीट करने के लिए ना कहे, ठीक है, आई वोंट बी रिपीटिंग दिस। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा, पहली दफा ही गौर से सुनो। आप ईमेल एड्रेस जो मर्जी दो, फर्क नहीं पड़ता, वेरिफिकेशन ईमेल की नहीं होती। डिस्प्ले नेम जो दिल करता है डिस्प्ले नेम दे दो, जो दिल करता है पासवर्ड दे दो। डिस्प्ले नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस याद रखना, एक्चुअली डिस्प्ले नेम और पासवर्ड याद रखना, ईमेल एड्रेस भूल भी जाओ। कंपनी साइज 1 to 10 सेलेक्ट करो। कंपनी, इंडस्ट्री, मार्केटिंग एजेंसी सेलेक्ट कर दो। क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, अपने अबू का क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन दो, $150 का परचेज कर दो, एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है। अच्छा चलो, ये ना करना, आपको दूसरा प्रोसेस बताता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, एक आप लोगों को मैं क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए एक टूल बताऊंगा, आप लोगों ने उस टूल को इस्तेमाल करना है। इस टूल का लिंक मैंने यहां पे दे दिया है, क्रेडिट कार्ड जनरेशन टूल, ये लो। अच्छा, यहां पे आप आगे, यहां पे एड्स एक तो बहुत ज्यादा, ये सबसे पहले आपसे मांगता है बिन, ठीक है। बिन में आपने क्या देना है, बिन में आपने ये नंबर दे देना, बिन नंबर ये सेव कर, मैं आप जो जो इंफॉर्मेशन है ये एसईओ के लेक्चर नोट्स में सेव कर रहा हूं मैं इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो आप लोगों को ये मांगने की जरूरत नहीं है। बिन नंबर मैंने यहां पे दे दिया, यहां पे मैंने बिन नंबर दे दिया, जेनरेट पे क्लिक कर दो, ये क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन आ गई डिफरेंट, ठीक है। हमें यहां पे यही चीजें चाहिए थी, क्रेडिट कार्ड का नंबर चाहिए था, एक्सपायरेशन डेट चाहिए थी और सीवीसी चाहिए था। ये क्रेडिट कार्ड का नंबर मेरे पास आ गया, इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। एक्सपायरेशन डेट इसने मुझसे मांगी है, एक्सपायरेशन डेट इसकी है 09, महीना है 09, आगे ये वाला साल है 2024, ठीक है। आपने 2024 में आपने पूरा 2024 या 2024 नहीं लिखना, आपने सिर्फ 24 को कॉपी करना है, ठीक है। मतलब ये तो महीना हो गया कि किस महीने को एक्सपायर हो रहा है, ये है किस साल में एक्सपायर हो रहा है। जो साल है एक्सपायरेशन का, वो आपने सिर्फ आखिरी दो डिजिट साल के उठाने हैं, पूरा 2024 नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ 24 लिखना। मैंने 24 को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है, 09/24। आगे आ जाता है सीवीसी, सीवीसी में ये आखिरी जो तीन डिजिट्स हैं ये आप लोगों ने कॉपी करके पेस्ट कर देने। मैंने कॉपी किया, सीवीसी में गया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ईमेल एड्रेस, नेम, पासवर्ड,
आप लोग ये काम करो, तीनों चीजें याद रख लेना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं याद रखना। कंपनी साइज दो 1 to 10, मार्केट यहां पे इंडस्ट्री में मार्केटिंग एजेंसी सिलेक्ट करो। क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों ने इस वेबसाइट पे आना है, वेबसाइट का लिंक मैंने दे दिया आपको। आप लोगों ने ये वाला बिन नंबर ऐड करना है, ये बिन नंबर भी मैंने नोट्स के अंदर दे दिया, जनरेट पे क्लिक कर देना, ये सारे सारे क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आप इसमें से टॉप वाला सिलेक्ट कर लो, क्रेडिट कार्ड यहां से यहां तक सिलेक्ट कर लो, यहां पे पेस्ट कर दो। एक्सपायरेशन डेट 09 सिलेक्ट करो, महीना 09 यहां पे पेस्ट कर दो। यहां से आखिरी वाले साल के दो डिजिट्स उठाओ, यहां पे पेस्ट कर दो। सीवीसी में 3 डिजिट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आखिरी 3 डिजिट्स उठाओ, यहां पे पेस्ट कर दो। आगे आ जाओ, नाम चाहिए इसको, नाम दे दिया मैंने, जो भी एड्रेस चाहिए मैंने एड्रेस दे दिया, लाहौर, लाहौर, कंट्री पाकिस्तान दे दिया मैंने। ये मुझसे सवाल ना पूछना सर हम मियांवाली लिखें, हम गुजरात लिखें, हम कुस्तुनतुनिया लिखें, जो मर्जी लिखो, पाकिस्तान में जो मर्जी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाहौर सिटी दे दिया, पोस्टल कोड जो मर्जी दे दो, मेरा लाहौर का पोस्टल कोड 57540 है, मैंने लाहौर का पोस्टल कोड दे दिया इसको। पोस्टल कोड अपना नहीं पता, गूगल से निकाल लो। सारी चीजें ओके हो गई, ऑल थिंग्स आर ओके। पोस्टल कोड अपना नहीं मिल रहा, कहीं से भी नहीं मिल रहा, आसपास का जो पोस्टल कोड मिल रहा है लिख देना। इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है कि सर मुझे नहीं मिल रहा, क्या नहीं, क्या करूं, कुछ भी लिख देना। एग्री करो, आखिरी स्टेप है, एग्री करो। मोस्ट टर्म्स ऑफ यूज प्राइवेट जो भी है, इसको लास्ट जो चीज है इसको एग्री करो और साइन अप पे क्लिक करो। ये थोड़ा सा 5-7 सेकंड का प्रोसेस लेता है। और आपका फ्री ट्रायल मॉस के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। ये आपका जो फ्री ट्रायल है, ये आपका मॉस प्रो का फ्री ट्रायल है, ठीक है। मॉस प्रो का फ्री ट्रायल, आप यहां पे मॉस प्रो पे क्लिक करो। और मॉस प्रो होम पे चले जाओ। ये आपको कहेगा कि आपका जो ट्रायल है उसके 29 डेज आर रिमेनिंग। जब आपके जब आपके 29 डेज रिमेनिंग है, जब आपकी 29 डेज खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद आप लोगों ने इसी को दोबारा से एक्टिवेट कर देना, इसी तरीके से सेम प्रोसेस। अब बच्चों वाले सवाल ना पूछना कि सर ईमेल एड्रेस वही रखें, सर यूजर नेम वही रखें, ये बहुत बचकाना सवाल है, ये आप लोगों ने नहीं करने, ठीक है। अब आप लोगों ने थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे आना है, ठीक है। अब आप लोगों ने अपना अंडरस्टैंडिंग का लेवल जरा खुद रेज करना है। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने सेम ईमेल एड्रेस लिखना है या डिफरेंट रखना, खुद से फिगर आउट करना, ठीक है। थोड़ा सा वर्किंग करो ना, थोड़ा सा धक्के खाओ हल्का सा, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई पीस ऑफ केक है। बच्चे वाले छोटे से जो बच्चे हैं वो भी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम है ही नहीं एक्चुअली। तो बेसिकली जब भी 29 डेज मतलब एक महीना खत्म होगा, आप इसको दोबारा, दो प्रोसेस मैंने अभी सिखाया, इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए आप उसको दोबारा एक्टिवेट कर सकते हो। तो एज लॉन्ग एज मॉस की पॉलिसी चेंज नहीं होती, यू कैन यूज दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये बहुत अरसे से ये चल रही है प्रोसेस, और उम्मीद यही है कि आगे ये 2-3-4 साल शायद कहीं पे भी ना जाए, तो आप लोग आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब
अच्छा देखो, थोड़े थोड़े से चीजें हैं जो कि आप लोगों को ना इस लेवल पे ये सवाल बेहतर है कि आप लोग ना करो। फॉर एग्जाम्पल, ये पूछना कि माउस यूज करना कंपलसरी है, तो देखो ऑब्वियसली अगर काम नहीं करना चाहते तो आप ना करो माउस यूज, अगर आप काम करना चाहते हो तो आप करो माउस यूज। मतलब ये कुछ सवाल नहीं बनता ना कि माउस यूज करना कंपलसरी है। ऑब्वियसली आप इस्तेमाल करो, एक चीज को मैं आप सिखा रहा हूँ, आप लोगों को इस्तेमाल करने के लिए सिखा रहा हूँ ना। कमाओ, इस्तेमाल नहीं करोगे तो कमाओगे कैसे, क्वालिटी कैसे लेके आओगे अपने काम के अंदर। तो ये चीजें बहुत सारे थोड़े से अवॉइड करो, बचकाना सवाल ज्यादा, अच्छे सवाल करो। अच्छा, क्रेडिट कार्ड जनरेटर हर दफा सेम इन्फॉर्मेशन देता है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सामा। अच्छा, इमरान कह रहा है कि सर फ्री ट्रायल के बाद वो ऑटोमेटिक आपके क्रेडिट कार्ड से $149 कट करेगा। पहले तो मुझे ये बताओ ना इमरान, कि आपके क्रेडिट कार्ड से क्या मुराद है? तुमने अपना क्रेडिट कार्ड दिया हुआ यहाँ पे, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लगा हुआ ही नहीं है, पैसे कैसे कट होंगे तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से? ये वर्चुअल कार्ड होते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसे कट नहीं होंगे। अच्छा सर, वी रैंक दीज टूल्स as most super features second in terms of quality work. आर्टिकल, अच्छा उसामा, पहले आर्टिकल के अंदर कीवर्ड डेंसिटी मैटर करती थी, और पुराने एल्गोरिदम के मुताबिक अब मैटर नहीं करती। अब आपका आर्टिकल के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी आपने लिखनी है, ऑब्वियसली आपने अपने हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में आपने कीवर्ड ने देने, लेकिन डेंसिटी बढ़ानी नहीं है फजूल में, जबरदस्ती से आपने स्टफ नहीं करने अपने कीवर्ड जिसके अंदर, उससे नेगेटिव असर पड़ जाता है। पहले उससे पॉजिटिव असर होता था, अब उससे नेगेटिव होता है। सर कैन वी रैंक दीज टूल्स सच एज मॉज ऊबर सजेस्ट एटसेट्रा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वर्क? मॉज भी अच्छा है, ऊबर सजेस्ट भी अच्छा है, बाकी टूल्स जो हैं वो भी अच्छे हैं। आपको रैंक क्यों करना है ये मुझे नहीं समझ। इट मेक्स सेंस दैट मोज ऑट टू बी रैंक। अच्छा, इस्तेमाल की नहीं, आपको जो मैंने बताई है सारी चीजों को इस्तेमाल करो। मोज भी पेड है, सॉरी ऊबर सजेस्ट भी पेड है, ऊबर सजेस्ट भी फ्री नहीं है, उसके कुछ चीजें फ्री होती हैं, वैसे अदरवाइज पेड टूल है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिलहाल अब आप लोग अपने कॉमेंट्स करना बंद कर दो, ठीक है? नो मोर कॉमेंट्स नाउ। मैं आप लोग को कंटिन्यूसली कह रहा हूँ, एक बात, अपने इंटरनेट कनेक्शन का रेजोल्यूशन निकालू, सोल्यूशन निकालो। आपके अगर इंटरनेट कनेक्शंस ब्रेक हो रहे हैं तो फिगर आउट अ सोल्यूशन, ठीक है? वरना इस तरीके से चीजें आप लोगों की मिस होंगी। ये तो खैर इंशाल्लाह इतना बड़ा इशू नहीं है, स्टेप्स थोड़े से स्टेप्स हैं, आप लोग ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देना, कोई आप लोग गाइड कर देगा जिसके स्टेप्स मिस हो गए। हम लोग आगे चलेंगे, अभी फिलहाल आगे से अब आप कॉन्सेंट्रेशन से लेक्चर दो दोबारा वन सेकेंड। हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग कर रहे थे कीवर्ड रिसर्च। क्लाइंट ने हमें एक वेबसाइट दी थी, क्लाइंट ने जो हमें वेबसाइट दी थी वो थी लेट्स से getfit.com। क्लाइंट ने जो हमें वेबसाइट दी थी वो मैं ज्यूम कर रहा हूं वो है getfit.com, ठीक है? मैं getfit.com के ऊपर आया, मैंने getfit.com के ऊपर आने के बाद, एक सेकंड स्क्रीन शेयर पे आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, होल्ड ऑन। मौज नजर आ रहा था, ठीक है, सही हो गया, अभी आपका स्क्रीन ठीक हो जाएगी। ये अब आपको एक्सेल नजर आ रहा होगा। क्लाइंट ने हमें वेबसाइट दी getfit.com। चलो ठीक हो गया, क्लियर हो गया मुझे। अब आप लोग यू कैन स्टॉप कमेंटिंग। क्लाइंट पे सॉरी, क्लाइंट ने आपको वेबसाइट, जो भी क्लाइंट ने आपको वेबसाइट दे दी, आपने उस हिसाब से उसको अंडरस्टैंड किया कि मेरे क्या वेबसाइट। आपने क्या किया कि आपने बेसिक देखा कि ये असल काम ये कर रहा है ना, ये वेट लॉस पिल्स दे रहा है। आपने वेट लॉस पिल्स को सर्च करना शुरू, आपने सबसे पहले गूगल के ऊपर जाके सर्च किया वेट लॉस पिल्स, कीवर्ड सर्च पे सर्च वॉल्यूम नोट की, डिफिकल्टी कीवर्ड सर्च पर नहीं देता,
ऊपर सजेस्ट पे आपने सर्च वॉल्यूम नोट की, डिफिकल्टी नोट की। उसके बाद आपने इसी किस्म का एक बना लेना है माउस के लिए। अब जो जो चीजें हम वंस अगेन इसको दोबारा से देखते हैं, कोई एग्जांपल लेंगे हम, इसको मैं सबको डिलीट कर देता हूं सारी की सारी चीजें, ठीक है। और वंस अगेन हम देखते हैं, कोई एग्जांपल भी चेंज कर देते हैं, पहले हमने ये एग्जांपल दी थी, अब हम एग्जांपल भी अपनी चेंज कर देते हैं। और अब हम सर्च करते हैं एक वेबसाइट, कोई मुझे रेफरेंस वेबसाइट बताओ कमेंट में, कोई भी बता दो अपनी मर्जी से बता दो, कोई ब्लॉग बताना। कोई एक बंदा कोई रेफरेंस वेबसाइट बता दे जिसकी वो कीवर्ड रिसर्च करवाना चाह रहे। विकिपीडिया नहीं, विकिपीडिया इज नॉट राइट, वो तो बड़ी वेबसाइट है ना, उसमें बहुत सारी चीजें और आ जाएंगी। अच्छा खाड़ी करते हैं, ठीक है। अब मैं लेट्स अज्यूम कि मैं खाड़ी की कर रहा हूँ। खाड़ी वैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट है, कोई ब्लॉग बताओ मुझे, मैंने ब्लॉग पूछा था ना, healthline.com। चलो मैंने आप लोगों से ब्लॉग पूछा था, आप लोग जो मुझे दे रहे हो प्रो पाकिस्तानी, ऑल्दो ब्लॉग है लेकिन प्रो पाकिस्तानी एक उसके ऊपर नहीं है, एक कैटेगरी पे नहीं है ना। प्रो पाकिस्तानी पूरी दुनिया की तमाम की तमाम किस्म की न्यूज सर्च कर रहा होता है, वो कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। तो अगर हम प्रो पाकिस्तानी को करेंगे तो आप लोगों को समझना मुश्किल होता है। अच्छा चलो अब आप लोग किचन विद आमना करते हैं, लेट्स डू किचन विद आमना। किचन में दाबना आप लोगों को समझने में आसान होगा, मैं जरा मैं एग्जांपल वो देना चाह रहा हूं जो कि आप लोगों को समझने में जरा आसान हो। चलो जी किचन में दाबना हमने ओपन कर लिया। अब वंस अगेन स्टॉप कमेंटिंग, आप लोग कमेंटिंग अपनी बंद कर दो, अनलेस कोई इशू हो जाए, स्क्रीन नजर नहीं आ रही या कोई और किस्म का कोई प्रॉब्लम हो जाए। राशिद ब्लॉग को इंशाल्लाह कल डिफाइन करेंगे, कल परसों करेंगे, जब हम ब्लॉगिंग का काम करेंगे स्टार्ट करेंगे उस वक्त हम डिस्कस कर लेंगे कि ब्लॉग क्या होगा। फिलहाल आप छोड़ दो ब्लॉग का नाम मैंने लिया था। अच्छा किचन विद आमना ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट के ऊपर ये क्लाइंट है आपके पास आ गया, ये कहता है कि ये कहती है कि ये मेरी वेबसाइट है और आप मेरी वेबसाइट की एसईओ करो। इसके ऊपर आप आर्टिकल तो ऑलरेडी पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रॉबेरी स्विस रोल, स्पाइसी चिकन, मोतिया कबाब रेसिपी। दो स्टेप्स हैं, टू वेज टू प्रोसीड। नंबर वन कि इसके पास आर्टिकल नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में एक एग्जांपल दी थी, वेबसाइट है नो आर्टिकल्स। दूसरा वेबसाइट है, आर्टिकल्स भी लिखे हुए हैं, रैंक नहीं हुए हुए, ठीक है, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं लेकिन आर्टिकल्स की एसईओ नहीं हुई, आर्टिकल्स रैंक नहीं हुए। दो ऑप्शंस है ना, दो देयर टू वेज एड टू एक्सेप्ट लास्ट चेक बॉक्स। ये आप लोगों के माउस के स्टेप्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, आगे आप अच्छा अब देर आर टू वेज, दो चीजें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज, टू पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी ये है कि क्लाइंट हैज अ वेबसाइट विद नो आर्टिकल्स,
दूसरी ऑप्शन है क्लाइंट हैज अ वेबसाइट विद आर्टिकल्स बट नो एसईओ, मतलब रैंक नहीं होगा, नॉट राइट। ये दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी फिलहाल के लिए नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने दोनों की केस के अंदर किस तरीके से काम किया? नंबर वन, हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्लाइंट की वेबसाइट है लेकिन आर्टिकल उसके पास वेबसाइट के ऊपर नहीं। हम अगर, या मैं दूसरी ये वाली पहले कर लेता हूं, काम करते हैं इसको, ये वाली जरा आसान है, इसको पहले कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगी, फिर आपके लिए नेक्स्ट स्टेप में वो वाली भी आसान है। पहली हम पॉसिबिलिटी ये डिस्कस करते हैं कि क्लाइंट के पास वेबसाइट है, आर्टिकल्स पड़े हुए हैं लेकिन एसईओ नहीं हुई। ये एग्जांपल हमारे पास यहां पे आ गई, ठीक है, ये किचन में दामना है, इसकी वेबसाइट भी है, आर्टिकल्स भी लिखे हुए, रैंक नहीं हुई। मैंने देखा स्ट्रॉबेरी स्विस रोल, मुझे स्ट्रेट अवे समझ में आ गया कि इसका जो कीवर्ड बन रहा है यहां पे वो है स्ट्रॉबेरी स्विस रोल। मुझे आर्टिकल को खोलने की जरूरत भी नहीं, लेकिन ऑब्वियसली मैं आर्टिकल को खोलूंगा। अब मैंने ये कीवर्ड उठाया यहां से, क्योंकि मुझे स्ट्रेट अवे यहीं पे पता चल गया कि ये बेसिकली ये हमारा कीवर्ड है, ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा, कॉन्टेंट इज प्रोटेक्टेड। अच्छा ठीक है, उस वजह से नहीं कॉपी, कोई मसला नहीं। स्ट्रॉबेरी स्विस रोल, स्ट्रॉबेरी की स्पेलिंग भी गलत लिखे हैं, स्ट्रॉबेरी स्विस रोल। अब ये मेरे पास आ गया कि ये स्ट्रॉबेरी स्विस रोल है, मैं यहां पे इसको देखूंगा यूएसए के लिए। क्लाइंट्स आपको अमूमन यूएसए और उन्हीं कंट्रीज के मिल रहे होंगे, इस वजह से मैं सर्च भी उसी को कर रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर मैंने इसको सर्च किया तो मेरे पास आ गया 1300 सर्च वर्ड। मैंने कॉपी किया उसको, उठाया यहां पे, मैंने इसको पेस्ट किया, सर्च वॉल्यूम मुझे पता चल गया 1300 है कीवर्ड सर्च पर। ये वेबसाइट हमारी चेंज हो गई है, ये है किचन विद amna.com। उसके बाद ऊबर सजेस्ट पे मैं देखता हूं यही चीज, खोलूंगा इसको और ऊबर सजेस्ट पे मैं इसको ओपन करूंगा। स्ट्रॉबेरी स्विस रोल सर्च, चलो जी, ऊबर सजेस्ट फरमाते हैं कि आप स्ट्रॉबेरी स्विस रोल को सर्च अगर करेंगे यूएसए, वंस अगेन मार्केट याद रखना, ये वाली चीज चेंज बहन में रखना कि वाली चीज जो लोकेशन होगी वो आपने चेंज करनी है, यूनाइटेड स्टेट्स में हो तो यूनाइटेड स्टेट्स रखनी है, यूके हो तो यूके रखनी है, किसी और कंट्री में हो तो कोई और कंट्री रखना है। सर्च वॉल्यूम इसका है 1600, सर्च वॉल्यूम इसका है 1600, डिफिकल्टीज की है 30। सर्च वॉल्यूम उबर सजेस्ट में मुझे मिला 1600, डिफिकल्टी मुझे मिली 30। अब हमारे पास एक और टूल भी आ चुका है जो कि है मॉज। मैं मॉज पे भी सर्च वॉल्यूम निकालूंगा और डिफिकल्टी निकालूंगा, तो मॉज है यहां पे। मॉज के अंदर कीवर्ड रिसर्च ये है आपके पास, यहां पे आपने इसको क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। ड्रॉप डाउन ओपन हुआ तो आप यहां पे अपना जो भी कीवर्ड है वो आप यहां पे लिख, स्ट्रॉबेरी स्विस रोल, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैंने एनालाइज पे क्लिक कर दिया। ये अब मुझे बता देगा कि इसका सर्च वॉल्यूम है मंथली 500 से लेके 850 तक, डिफिकल्टी है 31। मैं यहां पे 500 से 850 का एक थोड़ा सा एवरेज निकालूंगा, लेट से मैं इसको 700 कर देता हूं, डिफिकल्टी इसकी मैंने कर दी 31 ही थी ना 31। अब मेरे पास एक कीवर्ड आ गया है
स्ट्रॉबेरी स्विस रोल, कीवर्ड सर्फर पे वॉल्यूम 1300, ऊबर सजेस्ट पे वॉल्यूम 1600, मॉज पे वॉल्यूम 700. डिफिकल्टी ऊबर सजेस्ट दे रहा 30, मॉज दे रहा 31. सर्च वॉल्यूम वेरी करती है टूल बाय टूल, ये मैं आप लोगों को बात कल कह चुका हूं, ठीक है, कि सर्च वॉल्यूम सबकी वेरी कर रही होती है. ये अब आप लोगों ने सर्च वॉल्यूम की जब आप बात करोगे तो आप कीवर्ड सर्फर पे या फिर ऊबर सजेस्ट पे ज्यादा रिलाई कर सकते हो. जब आप डिफिकल्टी की बात करते हो तो आप मॉज पे ज्यादा रिलाई कर सकते हो, ठीक है. लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम इस चीज में नहीं जाएंगे, इस वक्त हम फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मजीद कीवर्ड्स को ढूंढने की आगे कोशिश करेंगे. अच्छा जी, आगे आ जाओ कीवर्ड्स के ऊपर. कमेंट्स नहीं करने आप लोगों ने, कमेंट्स अभी आप लोग फिलहाल ना करो. अच्छा, कीवर्ड्स आगे हम आगे स्ट्रॉबेरी स्विस रोल के बाद मैंने मेन हमारा कीवर्ड निकल गया ना, मुझे पता चल गया हमारा टॉपिक क्या था. उसके बाद अगली चीज आ जाती है कि मैंने इससे रिलेटेड और कीवर्ड्स निकाल. जापानी स्ट्रॉबेरी स्विस रोल रेसिपी, स्विस स्ट्रॉबेरी स्विस रोल, मेरी बेरी, जर्मन स्ट्रॉबेरी, इस सारे सारे मेरे पास यहाँ पे आ, ठीक है. एडिशनली मैं नीचे जाता हूं, मैं यहां पे देख लेता हूं, यहां पे भी मेरे पास काफी सारे कीवर्ड्स आ गए. एक चीज का मैंने थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी है यहां पे आप लोगों ने, ठीक है. अब आप लोगों ने समझदारी वाला काम करना है, थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करना. कॉमन सेंस कैसे यूज करना है? कुछ चीजें जो है जो स्ट्रेट वे आपको पता चल सकता है आप इस्तेमाल कर सकते हो. मिसाल के तौर पर लाइट एंड फ्लफी स्विस रोल रेसिपी, ये तो मैं डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता हूं. मैंने अगला कीवर्ड अपना सिलेक्ट कर लिया, लाइट एंड फ्लफी स्विस रोल रेसिपी. इसकी सर्च वॉल्यूम मेरे पास कीवर्ड सर्फ पे 140 आ गई. ये मैंने लिखा, सर्च वॉल्यूम 140 लिख दी. ऊपर सजेस्ट क्या कहता है? ऊपर सजेस्ट कहता है सर्च वॉल्यूम 170, एसईओ डिफिकल्टी 6. सर्च वॉल्यूम डिफिकल्टी 6. मॉस क्या कहता है? मॉस कहता है सर्च वॉल्यूम इसकी है 50 से 100, डिफिकल्टी है 19. 50 से 100 मैं लिख देता हूं 75, डिफिकल्टी 19. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कीवर्ड. ये वो कीवर्ड था जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आराम से इस्तेमाल कर सकता हूं. कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि मुझे थोड़ी सी जरा कॉमन सेंस और अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल, जापानीज स्ट्रॉबेरी स्विस रोल रेसिपी. अब ये मुझे अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे जाके आर्टिकल में देखना पड़ेगा कि जो हमारा आर्टिकल है वो जापानीज वाला, उसको जो हमारी रेसिपी है वो क्या जापानीज स्ट्रॉबेरी स्विस रोल भी है उसमें कि नहीं है. मैं आर्टिकल पे गया, कंट्रोल एफ प्रेस किया और जापानीज लिख के देखा कि जापानीज क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं पे भी आ रहा है. विच मीन्स कि जो हम काम कर रहे हैं वो दूर दूर तक जापानी काम नहीं है. वैसे अगर आप वैसे भी डायरेक्टली देख लो तो छोटा सा ही आर्टिकल है बहुत. स्ट्रॉबेरी स्विस रोल, हाउ टू मेक स्विस रोल केक बाय किचन विद आमना, हाउ टू मेक स्विस रोल केक रेसिपी एट होम, स्ट्रॉबेरी रेसिपी फलाना फलाना फलाना. इसमें जापानीज कहीं भी नजर नहीं आ रहा मुझे, ठीक है. इसमें कहीं पे भी जापानीज नजर मुझे नहीं आ रहा. तो
मैं ये समझूंगा कि नहीं, जापानीज का कीवर्ड जो है वो हमारे रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि जो बंदा जापानीज स्ट्रॉबेरी स्विस रोल रेसिपी ढूंढ रहा है वो जापानीज स्ट्रॉबेरी स्विस रोल की रेसिपी ढूंढ रहा है, वो पाकिस्तानी नहीं ढूंढ रहा, वो वही ढूंढ रहा है, तो मैं उसको केटर नहीं करूंगा। मेरा उसका इंटेंट मेरे इंटेंट से मैच नहीं कर रहा। मैं उसको अपना आर्टिकल उस पर रैंक करवाऊंगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज वो बंदा क्लिक ही नहीं करेगा, क्योंकि हम जापानीज रेसिपी नहीं सेल कर रहे, ठीक है। तो ये चीज आपने अकल इस्तेमाल करनी है साथ साथ। अच्छा जी, अब मैंने अगली चीज देखी, वनीला स्विस रोल रेसिपी। मैं वापस आर्टिकल पे गया, मैंने देखा कहीं वनीला डाला हुआ इसने कि नहीं डाला हुआ। ये रहा वनीला, वनीला इसेंस इसने इस्तेमाल किया हुआ, तो इसका मतलब है कि मैं ये वाला कीवर्ड इस्तेमाल कर सकता। ये काम जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये मैं आप लोगों को क्वालिटी का काम बता रहा हूं, कोई घटिया काम या कोई सस्ता काम या बिलो पार क्वालिटी का काम ना मैं करता हूं ना मेरा कोई स्टूडेंट करता है। ये मेरी डिस्ग्रेस है कि मेरा कोई स्टूडेंट का वो काम जो है वो सबमिट करे किसी भी क्लाइंट को। जो थका हुआ काम होता है ना, वो उसमें जापानीज स्ट्रॉबेरी स्विस रोल रेसिपी इस किस्म के कीवर्ड्स भी ऐड हुए हुए होते हैं, उसमें अजीबो गरीब बाकी जो चीजें हैं वो भी ऐड हुई होती हैं। हम वो काम नहीं करेंगे। वनीला स्विस रोल रेसिपी 480 की इसकी सर्च वॉल्यूम है। यहां पे क्या कॉपी कर दिया, लिख दिया, इसकी 480 की सर्च वॉल्यूम दे रहा है कीवर्ड सर्फर। ऊबर सजेस्ट कितनी दे रहा है, 590, डिफिकल्टी 6, सर्च वॉल्यूम 590, डिफिकल्टी 6, मॉस क्या दे रहा है। ये चीजें जिन जिन को समझ में नहीं आ रही उनके लिए चीजें रिपीट हुई चल जा रही हैं। हर दफा मैं कीवर्ड सर्च कर रहा हूं, हर दफा प्रोसेस रिपीट हो रहा है। अब ये नहीं होगा कि मैं कोई 4-5 दफा सारा प्रोसेस रिपीट करवा दूं, एंड पे आप लोगों से रिपीट करते हैं, ठीक है, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि ऑलरेडी 5 दफा चीज रिपीट हुई होगी। मंथली सर्च वॉल्यूम ही कहता है 200 से 500, डिफिकल्टी 20, 200 से 500 में एवरेज निकाल लेता हूँ 350 की, और डिफिकल्टी इसने मुझे दी थी 20। मैंने यहां पर नोट डाउन कर लिया, आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब मजीद स्ट्रॉबेरी जैम स्विस रोल वापस जाओ, स्ट्रॉबेरी प्यूरी, ये जैम ही होता है मेरा ख्याल है, प्यूरी इज जैम। मैंने किधर गया, ये जैम ये भी था, और मैंने उठा लिया कीवर्ड, सर्च वॉल्यूम 0 आ रही है यहां पे मेरे पास, नहीं 10 आ रही है, इसकी सर्च वॉल्यूम है 10। पेस्ट किया, सर्च वॉल्यूम 10, ऊपर सजेस्ट में क्या आ रहा है। अच्छा सर्च, अब मेरा सर्च यहां पे नहीं होगा, वो मुझे कहेगा साइन अप करो, नो थैंक्स। बाय द वे यहां पे भी आप 7 डे का फ्री ट्रायल कर सकते हो, सेम प्रोसेस इस्तेमाल करके जो आपने मॉस पे किया था, ठीक है, वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल मैं काम करता हूं, मैं इसको देखता हूं कि इनकॉग्निटो पे चलता है कि नहीं चलता। अच्छा, अब मैंने दो प्रोसेस सिंपल थे, आप रजिस्टर करके 7 डे का फ्री ट्रायल भी ले सकते हो, और दूसरा ये कि आप इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर लो। दूसरा ये कि आप इनकॉग्निटो विंडो जो है इसको ओपन कर लो, इनकॉग्निटो विंडो।
इसको मैं यहाँ पे रफ में लिख रहा हूँ नीचे। और मोर पी ऊपर सजेस्ट सर्चेस ओपन ऊपर सजेस्ट इन इनकॉग्निटो मोड, ठीक है, इनकॉग्निटो मोड के लिए आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन आपने ये प्रेस करना, इनकॉग्निटो मोड खुल जाएगा आपका, यही होता है ना, कंट्रोल शिफ्ट और हाँ यही होता है। अच्छा जी, अब यहां पे आपने दोबारा वंस अगेन आपके पास 3 out of 3 सर्चेस की अवेलेबिलिटी आपके पास आ गई, ठीक है, 3 out of 3 सर्चेस अवेलेबल। ये खत्म होंगी तो दोबारा विंडो को बंद करना, दोबारा खोल लेना विंडो को। सर्च वॉल्यूम हमारे पास इसने क्या दी है, इसकी 10, डिफिकल्टी इसने दी है 14। सर्च वॉल्यूम इसने दी है 10, डिफिकल्टी इसने दी है 14। मैंने चीज नोट ऑन कर, आगे आ जाओ तुम। यही चीज मैं माउस पे सर्च करूंगा, माउस पे वापस आ गया और मैंने दोबारा सर्च किया क्योंकि ये मेरा तीसरा टूल है, इसके ऊपर भी मुझे सर्चेस करनी है। सर्च वॉल्यूम मेरे पास आई 11 to 50, डिफिकल्टी मेरे पास आई 30। सर्च वॉल्यूम 11 to 50 थी, मैं इसको कर देता हूं लेट से 25 और डिफिकल्टी 30। मैंने अब आप लोगों को गूगल के ऊपर चीज को ढूंढने का तरीका बताया कि गूगल के ऊपर आप लोगों ने कीवर्ड को किस तरीके से देखना है, एनालाइज करना, कीवर्ड आइडियाज आप लोगों ने किस तरीके से निकालना। आप लोग एक चीज का यकीन आप लोगों को मैं दिला रहा हूँ, ये जो प्रोसेस मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ये हाई क्वालिटी का काम है, बहुत आसान काम है, मुश्किल नहीं है, आप लोगों में से तमाम के तमाम स्टूडेंट्स ये काम कर सकते हो। इसकी अर्निंग मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, फाइवर के ऊपर बहुत ज्यादा ये काम सर्विस बहुत ज्यादा बिकती है। आप लोगों को मैंने मौज ऊपर सजेस्ट पेड टूल है, ये भी मैं आप लोगों को फ्री में इस्तेमाल करना सिखा दिया। मॉज पेड टूल है, ये भी मैंने आप लोगों को फ्री में इस्तेमाल करना सिखा दिया। अब अगला काम आप लोगों ने क्या है कि आप लोगों ने जिम्मेदारी के साथ ये चीज करनी है, सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है। काम बहुत आसान है, इस काम की बेसिस के ऊपर मेरे स्टूडेंट्स लेवल 2 बन जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। इतना कंटेंट, इतना काम आता है कि कंटेंट राइटिंग के स्टार्ट किए हुए ब्लॉग्स गिग्स उसको वो छोड़ देते हैं, ऑर्डर्स लेना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको एसईओ का काम इतना ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हमने अगला काम क्या करना है। मैं चला आप लोगों को जो टेक्निक्स दरमियान में कुछ एक सिखाऊंगा वो बड़ी आसान तो है ही है लेकिन बहुत अच्छी टेक्निक्स है। आगे हम लोग आ जाते हैं, अभी हम लोग ने प्रैक्टिस की है गूगल के ऊपर देखने की, ठीक है, अब इसी तरीके से आप मजीद भी इस पे देख सकते हो। जब आपने एक स्ट्रॉबेरी जैम स्विस रोल खोला तो इसमें आप मजीद नीचे आओ, इसमें आप मजीद रिलेटेड सर्चेस देखो, स्विस रोल रेसिपी, वनीला स्विस रोल रेसिपी, ठीक है, आप इन पे भी अपने आप को रैंक करवाओ और ये आप करवा सकते हो, ठीक है। छोटी छोटी सी वेरिएशंस होती हैं लफ्जों में, तो आप गूगल के ऊपर भी बहुत सारी सजेशंस अभी और बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ पहला जो हमने लिया था ना स्ट्रॉबेरी स्विस रोल, अभी तो हम सिर्फ उसी के 8 ऑप्शंस को देख रहे थे, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ उसी की 8 ऑप्शंस को देख रहे थे, स्टडी कर रहे थे। आप जैसे जैसे एक एक ऑप्शन खोलते चले जाओगे आप उसमें भी स्क्रॉल करके नीचे आओ और उसमें भी आप मजीद 8 ऑप्शंस मिल जाएंगी,
अगली खोलो उसमें मजीद 8 ऑप्शंस आपको नीचे मिल जाएंगे, या आप लोगों को बहुत सारा यहाँ पे कीवर्ड्स इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। उसके बाद अगले कीवर्ड आइडियाज को ढूंढने के लिए मजीद क्या सजेस्ट किया, हर कीवर्ड जो भी आप लोगों ने यहां पे लिखे हैं, यहां पे भी आप लोगों ने जो भी कीवर्ड्स लिखे हैं एक एक करके उनको यहां पे डालो ऊपर सजेस्ट पे, और कीवर्ड आइडियाज में से कीवर्ड्स मजीद निकालना शुरू कर दो। ठीक है, ये सारे के सारे आपको यहां पे मिल रहे हैं। ये सारे के सारे कीवर्ड्स आप लोगों को यहां पे मिल रहे हैं। ठीक है, वनीला स्विस रोल रेसिपी, वनीला स्विस रोल केक रेसिपी, ग्लूटेन फ्री वनीला, ये हम वनीला स्विस रोल कर रहे थे ना, इसमें आप अगर इसी को मैं स्ट्रॉबेरी कर देता हूँ, स्ट्रॉबेरी स्विस रोल, अच्छा ये आपको ये दे देगा, तो हमने फिर यहाँ पे ओपन किया स्ट्रॉबेरी जैम रोल। कीवर्ड आइडियाज में इसके मैं चले जाता हूँ, हाउ टू मेक स्ट्रॉबेरी स्विस रोल, स्ट्रॉबेरी जैम स्विस रोल, स्ट्रॉबेरी जैम स्विस रोल रेसिपी, हाउ टू मेक अ जैम स्विस रोल, स्ट्रॉबेरी जैम एंड क्रीम स्विस रोल रेसिपी। ठीक है, ये तमाम के तमाम आप लोगों के कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं उठाता हूं, अगर इसको स्ट्रॉबेरी जैम एंड क्रीम स्विस रोल रेसिपी, ये वाला जो कीवर्ड है, अगर आप लोगों को याद हो जो कि आर्टिकल लिखा हुआ था उसमें क्रीम का भी इस्तेमाल हुआ हुआ था, तो ये भी हमारा कंटेंट कीवर्ड बनता है। बाकी भी जो थे वो भी बन रहे थे, सर्च वॉल्यूम 10 डिफिकल्टी 5, सर्च वॉल्यूम 10 डिफिकल्टी 5, यही चीज उठा के अब मैं गूगल के ऊपर सर्च करूंगा तो मुझे कीवर्ड सर्फर का भी वॉल्यूम मिल जाएगा। अच्छा, इस पे ये मैंने यहां पे लिखा तो कीवर्ड सर्फर इस पे वॉल्यूम देता है 10, कीवर्ड सर्फर भी कह रहा है कि इसका वॉल्यूम भी 10 लिख दिया। माउस पे इसका निकाल लेंगे, अच्छा जी माउस पे हम लोग इसका निकालेंगे तो माउस भी यही कह रहा है 0 to 10 और डिफिकल्टी 29, तो इसको मैंने 5 किया और 29। ये करके आप लोगों ने पूरी की पूरी लिस्ट तैयार कर ली। क्लाइंट ने आपको जितने भी कीवर्ड्स का बोला होगा आपने तमाम के तमाम कीवर्ड्स की एक लिस्ट तैयार कर ली। वंस आपके पास तमाम के तमाम कीवर्ड्स की लिस्ट आ जाए उसके बाद आप लोगों ने उसमें से देखना है कि कहां पे मुझे सर्च वॉल्यूम 35 और लेस मिल रही है, और सॉरी डिफिकल्टी 35 और लेस मिल रही है। ये डिफिकल्टी हमारी जो है ये आपको 35 या लेस मिल रही है, प्लस सर्च वॉल्यूम आपको मुनासिब मिल रहा है। ठीक है ना, जैसे अब यहां पे ये कीवर्ड है वनीला स्विस रोल रेसिपी, इसकी सर्च वॉल्यूम मुनासिब है, 500 कीवर्ड सर्फर पे है, 600 ऊपर सजेस्ट पे है, 350 माउस पे है, और इसकी जो डिफिकल्टी है वो भी कम आ रही है मेरे पास, माउस पे भी कम है और ऊपर सजेस्ट पे भी कम है, तो दिस इज अ गुड कीवर्ड, इसको मैं ग्रीन कर दूं। ठीक है, ये मेरा एक अच्छा कीवर्ड है। इसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों के सामने ये वाला कीवर्ड निकाला है, आप लोग भी बाकी कीवर्ड्स निकाल सकते हो। स्ट्रॉबेरी स्विस रोल भी इटसेल्फ एक अच्छा कीवर्ड है, बिकॉज इसकी सर्च वॉल्यूम भी 1300 है, 1600 है, 700 है, और डिफिकल्टी 30 और 31, तो स्ट्रॉबेरी स्विस रोल इज ऑल्सो अ गुड कीवर्ड। इसी तरीके से दो आप लोगों को मैंने निकाल के दिए, सॉरी कीवर्ड तो ज्यादा निकाल के दिए, शॉर्टलिस्ट भी दो करके दिए, आप लोग 50 निकालो, 60 निकालो, जितनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उतने ज्यादा निकालो, उतने पैसे ज्यादा कमाओ। क्लाइंट कहता है 15 निकालो तो आप 15 के पैसे चार्ज करो, क्लाइंट कहता है 1500 निकालो, 1500 तो खैर बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन क्लाइंट कहता है कि 100 निकालो तो आप 100 निकाल दो। उसके बाद आप लोगों ने कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट करना,
ठीक है। अब यहां तक किसी को जिसको नहीं समझ में आई वो सवाल पूछे, जिसको समझ में नहीं आई है। अब मैं सवाल जरा अलाउ कर रहा हूं, लेकिन ओनली दोज पीपल आस्क अ क्वेश्चन जिनको समझ में नहीं आई है वो अपना सवाल पूछे, बाकी इस वक्त वन प्रेस ना करें, बाकी इस वक्त कुछ भी प्रेस ना करें। इश्वाक, टारगेट सर्च वॉल्यूम मैंने पहले भी बताया था कि आपने सर्च वॉल्यूम की बेस के ऊपर टारगेट नहीं करना, आपने डिफिकल्टी को आपने प्रायोरिटी पे रखना है। डिफिकल्टी आपकी जो है वो 30-35 के अंदर अंदर होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी डिफिकल्टी 30-35 के अंदर अंदर है उसमें आप देख लो कि हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम आपको जो जो मिल रहे हैं आप उठा लो। हीरा पूछ रही है कि सर्च वॉल्यूम का आइडिया कैसे लगाएं। अच्छा ठीक है, सवाल का जवाब मिल गया। अब जिनको समझ में आई है वो जरा वन प्रेस करना शुरू करो। एक एक बच्चा जो ऑनलाइन है, आई नीड एवरी वन टू प्रेस वन, जिसको समझ में आई है। मैंने बहुत मेहनत से समझाया, मैंने बड़ी जान लगा के समझाया और बहुत अच्छी टेक्निक्स आप लोगों को बताई है, बहुत क्वालिटी की चीजें आप लोगों को बताई है मैंने, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का अब फर्ज ये बनता है कि अगर आप लोगों को समझ में आया है तो आप वन प्रेस करो, हाथ पे हाथ बांध के ना बैठो। अच्छा, I have still not received a one from everyone. अभी भी सबका नहीं आया, क्यों भाई ऐसी कौन सी कंजूसी है तुम लोग? बड़ा कीमती वन है आप लोगों का, जो आप लोग समझ रहे हो कि आप लोगों ने नहीं प्रेस करना, सिर्फ बाकियों के लिए था ये। मेरे पास क्योंकि काउंटिंग आ रही होती है तो मैं अपनी काउंटिंग यहाँ पे नोट कर रहा हूं। ठीक है, सर जस्ट फोन को एक्टिवेट करना वाली बात वो बता दें, वो मिस हो गया। सर्च वॉल्यूम जो ये टूल्स बता रहे हैं पर डे है ये पर मंथ है? ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। साथ साथ पूछ रहा है सर्च वॉल्यूम जो ये बता रहे हैं ये पर डे का सर्च वॉल्यूम होता है या पर मंथ का सर्च वॉल्यूम होता है? ये सर्च वॉल्यूम पर मंथ होता है, एक महीने में कितनी सर्चेज हो रही है। दैट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है जी। कोकअप कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग और एसईओ जरा साथ साथ चलती है। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। सवाल एक सेकंड, जरा एक दो बच्चे सवाल पूछना चाह रहे थे, सवाल मैं जरा एंड पे लेता हूँ। कुछ बच्चों ने सवाल के लिए हाथ खड़ा किया हुआ था, अख्तर ने भी किया हुआ था, मुश्तबा ने भी दरमियान में किया था। हाँ मुश्तबा अख्तर, मैं जरा सवाल ना एंड पे लेता हूँ। एक चीज ना मैं जरा रिदम में कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, वो मैं कर दूं, उसके बाद मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सवाल देता हूँ। अब वंस अगेन आप लोगों ने कमेंटिंग अपनी बंद कर देनी है, नो मोर कॉमेंट्स राइट नाउ, लिसन वेरी 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 केयरफुली। चीज आसान है, मुश्किल नहीं है। ये भी चीज जो आप लोगों ने की है, दिस वॉज नॉट डिफिकल्ट, आप लोग गौर से सुन रहे थे, आप लोगों को चीज समझ में आ गई और मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, समझने की बात होती है। आगे आ जाते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग का। हम लोगों ने अभी तक जो गंगा बहाई है वो हमने सीधी गंगा बहाई है, अब हम थोड़ी उल्टी गंगा बहाएंगे। उल्टी गंगा हम लोगों ने किस तरीके से बहानी है? हमारा जो मेन कीवर्ड था वो था स्ट्रॉबेरी स्विस रोल, ये हमारा मेन कीवर्ड था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उल्टी गंगा बहाऊंगा। मैंने गूगल पे जाके सर्च किया स्ट्रॉबेरी स्विस रोल, ठीक है, जो मेन हमारा टॉपिक था ना स्ट्रॉबेरी स्विस रोल, और मैंने स्ट्रॉबेरी स्विस रोल के ऊपर जब जाके सर्च किया, मैंने खोली पहली वेबसाइट। ये बाकी चीजें बंद कर देते हैं, आगे वाली फालतू की जो ओपन हुई है
लेके आता हूँ, बल्कि इसकी भी लिमिट पूरी होगी, इसको भी बंद करता हूँ। मैंने स्ट्रॉबेरी स्विस रोल जाके गूगल के ऊपर सर्च किया और यहाँ पे आके अब मैं जरा अकल लड़ाऊंगा। मैं पहली वेबसाइट को ओपन कर देता हूँ जो रैंक हुई भी है। पहली वेबसाइट ये रैंक हुई भी है, इसने अपना आर्टिकल रैंक करवाया हुआ है, मैंने इसको ओपन कर लिया। दूसरा, इस वेबसाइट ने अपना आर्टिकल रैंक करवाया हुआ है, मैंने इसको खोल दिया। तीसरा, इस वेबसाइट ने अपना रैंक करवाया हुआ आर्टिकल, चलो बाकियों को भी ना खोलो, एक एक करके आपने सारी खोल लेनी, बल्कि वन बाय वन लेते हैं। अभी फिलहाल मैंने सबसे पहली खोली है होम कुकिंग एडवेंचर, ये वाली वेबसाइट जो थी सबसे पहली वाली जो थी, इस वक्त मैंने सिर्फ ये खोली, ठीक है, ये रही। अच्छा जी, इसने ये आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका पूरा का पूरा यूआरएल उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, माउस के ऊपर आ जाऊंगा। गौर से देखना, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। माउस के ऊपर आ गया मैं, माउस के ऊपर आके कीवर्ड रिसर्च के अंदर ही रैंकिंग कीवर्ड्स, इसको मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। ये रैंकिंग कीवर्ड्स है अंडर द हेडिंग ऑफ कीवर्ड रिसर्च, ये रैंकिंग कीवर्ड्स है। यहां पे आके मैंने इसको दे दी लिंक, ये लिंक है मेरे कॉम्पेटिटर का, मेरा कॉम्पेटिटर क्या कर रहा है एनालाइज करो। मॉस कहता है ठीक है, ये मेरा मेन कीवर्ड था। वंस अगेन, मेन कीवर्ड मैंने उठाया स्ट्रॉबेरी स्विस रोल, मैंने जाके गूगल के ऊपर सर्च कर दिया स्ट्रॉबेरी स्विस रोल, गूगल के ऊपर सर्च कर दिया, टॉप पे जो वेबसाइट आई नंबर वन, इसको मैंने ओपन किया, इसका लिंक कॉपी कर लिया और माउस के ऊपर जाके मैंने कहा कि ये मेरा कॉम्पेटिटर है, इसको एनालाइज करो, ठीक है, ये रैंकिंग कीवर्ड्स के। मौज ने मुझे कहा कि आपके कॉम्पेटिटर ने 29 कीवर्ड्स के ऊपर अपने आप को रैंक किया। वो कीवर्ड्स क्या हैं? स्ट्रॉबेरी स्विस रोल, स्विस रोल होम कुकिंग एडवेंचर, अच्छा होम कुकिंग एडवेंचर तो इसका अपना वेबसाइट है ना, स्ट्रॉबेरी स्विस रोल केक, स्ट्रॉबेरी जैम जेली रोल, स्ट्रॉबेरी स्विस रोल एंड क्रीम केक, एक्स वाई जी, पूरी पूरी लिस्ट मेरे पास निकल गई। बजाय इसके कि मैं एक एक करके खुद ढूंढूं सारे के सारे कीवर्ड्स, मैंने उल्टी गंगा बहाई, मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग की एंड आई एक्टेड स्मार्ट। मैंने अकलमंदी से टॉप का जो वेबसाइट थी वो खोल ली और मैंने उसको जाके मॉज पे मैंने कहा कि इसका मुझे बताओ कि इसने कौन से कीवर्ड्स के अपने आप को रैंक किया। वो मॉज ने पूरे कीवर्ड्स की लिस्ट निकाल दी, उसने डिफिकल्टी भी निकाल दी सारे कीवर्ड्स की और उसने मंथली वॉल्यूम भी निकाल दी। यहां पे मुझे डायरेक्टली पता चल गया एक ही पेज के ऊपर कि कितने कीवर्ड्स हैं जो कि रैंक वो हुए इसके पास, उनकी डिफिकल्टी क्या आ रही है और उनका सर्च वॉल्यूम क्या आ रहा है। अच्छा, ये वाली जो चीज होती है, ये वाली टेक्निक आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आप लोग जब एक अपनी तरफ से जितने भी आप लोगों ने वो निकाले हुए होते हैं, कीवर्ड्स निकाले हुए होते हैं, सडनली आप डबल अपने कीवर्ड्स कर लेते हो, ठीक है, जो लिस्ट आप क्लाइंट को सेंड करें। मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ यू कैन एक्चुअली नेल एसईओ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। यही काम आप ऊबर सजेस्ट पे भी कर सकते, ऊबर सजेस्ट में भी आप आओ। पहले हम कीवर्ड एनालाइजर पे थे, अब हम कॉम्पेटिटिव एनालिसिस पे आ जाते हैं। कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक,
ठीक है, यहां पे आओ और जो हमारी डोमेन थी मैंने यहां पे लिखा और इसको सर्च कर। अच्छा ये मेरा ख्याल है सिर्फ होम पेज को शायद करेगा, ये सिर्फ होम पेज को कर रहा है, ठीक है। ये आप लोग जो फ्री प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसके अंदर थोड़ी सी लिमिटेशन है, ठीक है। आप लोगों का ये टॉप पेजेस पे जाते हैं, एक सेकंड, इसके टॉप पेजेस कौन से हैं, टॉप पेजेस में शायद वो ना आ रहा हो, स्ट्रॉबेरी स्विस रोल, यहाँ पे आपको बैकलिंक्स तो आ जाएंगे इसके सारे, कीवर्ड्स आते हैं कि नहीं आते, ठीक है, सही। आप लोग माउस को इस्तेमाल करो और माउस को इस्तेमाल करके जो मैंने आप लोगों को बताया वो करो, अभी जो मैं कर रहा हूं ये आप लोगों को करने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ देख रहा था कि फ्री वर्जन में आप लोगों के पास एक ऑप्शन ये वाली है कि नहीं है, इट टर्न्स आउट कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना क्योंकि मौज आप लोगों को ये काम करके दे रहा है। साथ आप लोगों ने दोनों चीजें करनी है, आप लोगों ने रिवर्स इंजीनियरिंग भी करनी है और आप लोगों ने पहले जो नॉर्मल प्रोसेस मैंने बताया आप लोग पहले उसको फॉलो करो और उसके बाद फिर आप रिवर्स इंजीनियरिंग। नहीं अभी आपको फिलहाल इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी बात की थी कि ये चीज जो मैं अभी कर रहा हूँ इसको आप छोड़ दो, ये हम करेंगे, बैकलिंक्स हम लोग करेंगे बाद में करेंगे, चल नेक्स्ट भी करेंगे। अच्छा अब वंस अगेन कमेंट्स जरा आप लोग फिलहाल के लिए रोक दो, जब मैं कहूंगा उसके बाद आप लोग कर लेना, अभी फिलहाल आप लोग अपने कमेंट्स को रोक। आखिरी चीज जो हम लोगों ने करनी है आज इंशाल्लाह उसको कहते हैं LSI keywords, ठीक है, LSI keywords। LSI keywords क्या होते हैं? Latent semantic indexing, ये वो keywords हैं जो latent semantic indexing में इस्तेमाल होते हैं। ये बहुत मुश्किल टर्म है, आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, LSI keywords basically इनका concept क्या होता है, LSI keywords आप लोगों को क्यों benefit देंगे। आप for example आपने search किया Google के ऊपर weight loss, ठीक है, या आपने लिखा Google के ऊपर how to cook biryani। अब how to cook biryani आपका keyword है, इसका LSI कीवर्ड क्या होगा, इसके सिमिलर वर्ड्स, वो वर्ड्स या वो कीवर्ड जो के सेम मतलब देता है, सेम मीनिंग देता है, ठीक है। आपने कीवर्ड कोई भी सेलेक्ट कर दिया, अब आप चाहते हो कि वो वाले कीवर्ड्स मुझे पता चल जाएं जिनसे सेम मीनिंग निकलता हो मेरे मेन कीवर्ड का, यस सॉर्ट ऑफ सिनोनिम्स, यस सुल्कनैन आप इसको सिनोनिम्स कह सकते हो, मतलब आपके जो जो भी आपका कीवर्ड है जो आपने फाइनल सिलेक्ट किया है उसका सिनोनिम, मतलब उसका मिलते जुलते मीनिंग्स के वर्ड्स, उसके बिल्कुल आसपास के वर्ड्स, उससे बिल्कुल सिमिलर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं स्ट्रॉबेरी जैम स्विस रोल और इसके ऊपर मैंने लिखा वनीला स्विस रोल। अब वनीला स्विस रोल और स्ट्रॉबेरी जैम स्विस रोल ये LSI कीवर्ड्स नहीं है क्योंकि वो वनीला है ये स्ट्रॉबेरी है, डिफरेंट चीजें। लेकिन स्ट्रॉबेरी जैम स्विस रोल ये वाला और ये वाला, मैं इसको जरा
लिखता हूँ, साइज जरा बढ़ा दो, ये वाला और ये वाला, ठीक है, स्ट्रॉबेरी स्विस रोल, और वनीला स्विस रोल, सॉरी ये नहीं गलत हो गया सर, ये स्ट्रॉबेरी स्विस रोल और स्ट्रॉबेरी जैम स्विस रोल, ये LSI कीवर्ड्स में आ सकते हैं क्योंकि दोनों बड़े मिलते जुलते से हैं। ये होता है कॉन्सेप्ट LSI कीवर्ड्स का। LSI कीवर्ड्स आपने फाइंड कैसे करने हैं? मैं स्ट्रॉबेरी स्विस रोल को उठाऊंगा, ये मेरा मेन कीवर्ड था जो मैंने फाइनल कर लिया। LSI कीवर्ड्स आप लोग तमाम के तमाम लिस्ट के नहीं निकालोगे, यहां पे आप लोगों ने बहुत सारे वो निकाल लेने हैं, कीवर्ड्स निकाल लेने, लेट्स से आप लोगों ने कीवर्ड्स निकालनी है 50 या 100 कीवर्ड्स निकाली, 100 कीवर्ड्स में से आप लोगों ने ये वाले दो जो ग्रीन हुए हैं, ये वाले दो कीवर्ड्स आप लोगों ने फाइनल कर लिए, आप लोगों ने 100 कीवर्ड्स निकाल लिए और 100 कीवर्ड्स के अंदर आप लोगों ने ये जो ग्रीन ग्रीन वाले जो दो थे ये आप लोगों ने फाइनल कर लिए। अब ये जो फाइनल कीवर्ड्स हैं इनका आप LSI कीवर्ड्स निकालो, इस शीट को मैं दे देता हूं नाम LSI कीवर्ड्स, मेरा एक मेन कीवर्ड आ गया स्ट्रॉबेरी स्विस रोल, आप लोगों को आवाज मेरी क्लियर आ रही है? जिस जिसको आवाज मेरी क्लियर आ रही है वो जरा वन प्रेस करें। ठीक है, चलो सही है, ठीक है, थैंक यू, मुझे बस ये इधर आइडिया लेना था, थैंक यू, यू कैन स्टॉप कमेंटिंग नाउ। अच्छा अच्छा जी, ये हमारा शीट को मैं नाम दे देता हूं कीवर्ड रिसर्च, और अगली शीट को मैंने नाम दे दिया LSI कीवर्ड्स। अब कीवर्ड रिसर्च करके मैंने ये स्ट्रॉबेरी स्विस रोल को फाइनल किया, ये मैंने यहां पे लिख दिया, जो दूसरा मेरा कीवर्ड था वो था वनीला स्विस रोल रेसिपी, कॉपी किया यहां पे लिख दिया, फाइनल कीवर्ड्स, फाइनल कीवर्ड्स को आप फोकस कीवर्ड्स भी कह सकते हो, इसका एक और नाम होता है फोकस कीवर्ड्स, कुछ क्लाइंट्स इसको फोकस कीवर्ड्स भी कह रहे होते हैं, आप जो मर्जी करो उसको फाइनल करो, मेन इसको मेन कीवर्ड लिखो, फाइनल कीवर्ड लिखो, फोकस कीवर्ड लिखो, जो मर्जी लिखो, बहरहाल ये किस्सा मुख्तसर ये आपके कीवर्ड्स वो हैं जो कि आपने फाइनल कर लिए, ठीक है, आपने यहां पे 10 कीवर्ड्स आपने यहां पे फाइनल कर लिया। अब मैं इन कीवर्ड्स के LSI कीवर्ड्स निकालू, LSI कीवर्ड्स किस तरीके से निकलेंगे, मैं इसको कॉपी करूंगा, एक वेबसाइट है जिसका नाम है lsicraft.com,
आप यहां पे अपना कीवर्ड लिखो, स्ट्रॉबेरी स्विस रोल अगर मैंने लिखा है, और मैंने जनरेट पे क्लिक कर, ये अब मुझे इसके LSI कीवर्ड्स देगा। अच्छा जी, अब स्ट्रॉबेरी स्विस रोल में इसने मुझे ये सारे के सारे LSI कीवर्ड्स दे दिए, ठीक है। ये LSI कीवर्ड्स जो हैं, ये आप कॉपी करो, और यहां पे अब आप पेस्ट करना शुरू कर दो। अगला है स्ट्रॉबेरी स्विस रोल जापानीज, जापानीज को इग्नोर कर दो। स्ट्रॉबेरी स्विस रोल लिटिल डेबी, कॉपी पेस्ट। स्ट्रॉबेरी स्विस रोल लिटिल डेबी रेसिपी, कॉपी पेस्ट। इस तरीके से करके आपके LSI कीवर्ड्स भी पूरी की पूरी 10 कीवर्ड्स, 10 12 15 जितने भी आप इसके साथ देना चाहते हो आप उसको दे दो। लिटिल डेबी, अच्छा मैं वैसे लिटिल डेबी का मतलब समझा था कि लिटिल डेबी से मुराद होगा कि छोटा पीस, ठीक है सही है। लिटिल डेबी कोई और ब्लॉगर है या बेसिकली कोई कंपनी है आप, अच्छा आप इसके ऊपर भी अपने आप को रैंक करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल लिटिल डेबी उसने लिख तो दिया, लेकिन आप इसको अपना मेन कीवर्ड के तौर पे ट्रीट ना करो, लेकिन आप यू कैन स्टिल यूज इट, क्योंकि लोग जब सर्च कर रहे होते हैं तो हो सकता है किसी को यहां से पसंद आए वो आपके पास आके बैठे। तो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर भी अपने आप को रैंक किया हुआ होता है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो इन केस आप अपने कॉम्पिटिटर को आउट रैंक करना चाहते हो, कि आप चाह रहे हो कि आप कॉम्पिटिटर से कम्पीट करो, तो आप ये काम कर सकते हो। लोग करते ही ये काम, लोग तो एड्स भी रन करते हैं इस हरकत के ऊपर। तो अच्छा मूविंग ऑन, आप लोगों ने LSI कीवर्ड्स की लिस्ट बना दी। अब ये आपके कीवर्ड रिसर्च आ गई, अच्छा फिलहाल के लिए जरा आप लोग वन सेकेंड स्टॉप कमेंटिंग। नहीं दुल्कनैन, आपने सिर्फ LSI कीवर्ड्स देने। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने काम अपना सबमिट किस तरीके से करना है। नीट एंड क्लीन काम, जो कि कमाल किस्म का क्वालिटी का काम होगा, वो आप लोगों ने सबमिट किस तरीके से करना। आपकी ये कीवर्ड रिसर्च आ गया, उसके बाद आप अपना यहां पे लिख दो फोकस कीवर्ड्स, यहां पे आप पूरी लिस्ट बनाओ अपनी बड़ी नीट एंड क्लीन किस्म की, कि आपका फोकस कीवर्ड्स कौन से आपके फोकस कीवर्ड्स आपने फाइनल किए, ठीक है। फोकस्ड कीवर्ड वन, ये पूरी आपने जितनी भी लिस्ट बनानी है आप यहां पे लिस्ट बनाओ, यहां पे आप कीवर्ड डालो जो भी वो कीवर्ड है, ठीक है, जो भी वो कीवर्ड्स हैं यहां पे आप फाइनल करके इस तरीके से करके इसकी एक लिस्ट बनाओ। गूगल शीट पे कर लो यार, इससे नहीं फर्क पड़ता, इन चीजों से नहीं फर्क पड़ता। फिलहाल आप चीज को समझो, इट डज नॉट मैटर कि आप गूगल शीट पे करो आप एक्सेल के ऊपर करो, असल चीज है कि आप चीज को समझो कि चीज कैसे करनी, ठीक है, दैट इज द मेन क्वेश्चन।
फोकस कीवर्ड के ऊपर आप आ गए यहाँ पे। ऑब्वियसली आप लोगों ने इसको जरा थोड़ा सा खूबसूरत करना है, इसको कलर कर दो, सेंटर में कर दो अलाइन, थोड़ा सा बोल्ड कर दो, साइज बड़ा कर दो, कीवर्ड्स के दरम्यान में भी आप इनको थोड़ा थोड़ा सा गैप दे दो, बड़ा करके लग दो, और जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं वो आप यहाँ पे लाइन में सारे के सारे बनेंगे। ठीक है, ये आपकी कीवर्ड शीट रिसर्च की शीट बन गई, ये आपके फोकस कीवर्ड की शीट बन गई, और ये आपके LSI कीवर्ड की शीट। वंस अगेन ऑब्वियसली खूबसूरत करके लिखना, मैंने यहाँ पे लिख दिया आप उनको समझाने के लिए, हेडिंग देना, उसको कलर करना, बैकग्राउंड फिल करना, और बिल्कुल ही रेनबो नहीं बना देना, पता है यूनिकॉर्न बना दिया, इस किस्म की फनकारियां बच्चों के कलर्स नहीं है, एक पकड़ के हर किस्म का कलर भर दो, जरा थोड़ा सा मुनासिब कलर्स में रख के आप उसको प्ले करना, ताकि आपकी बड़ी प्रोफेशनल सीख सी। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर, यस सुमेरा, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिलीवर द ऑर्डर टू द क्लाइंट। ये आपकी पूरी शीट बनेगी और ये आपकी शीट आप क्लाइंट को डिलीवर। इस तरीके से करते हैं कीवर्ड रिसर्च। दिस इज हाउ यू डू कीवर्ड रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च के अंदर आप लोगों को टूल्स, मैं तीन टूल्स बता दिए आप लोगों को, मैंने बता दिया कि फोकस्ड कीवर्ड्स आप लोगों ने किस तरीके से निकालने, जैसे हम लोगों ने ये वाले निकाले, इस तरीके से आप और भी फोकस्ड कीवर्ड्स निकाल लेना। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया कि सारे के सारे कीवर्ड्स जो भी आप निकालोगे उसके आप लोगों ने LSI कीवर्ड्स भी निकाले, और ये शीट आप क्लाइंट को। अब आपने क्लाइंट को क्या कहना, आपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से उठाना है और विन करना है। आपने क्लाइंट को ये कहना है कि आपने क्लाइंट को ये कहना है कि आप लोग क्या क्या करोगे, बताओ टूल्स कौन से इस्तेमाल करो। ठीक है, कीवर्ड सर्फर, ऊबर सजेस्ट। अब यहां पे उसको लिखना कि ये पेड टूल है, हम लोग उसका पेड वर्जन इस्तेमाल नहीं करें, वो अलग बात है, लेकिन टूल तो पेड है ना, छूट तो नहीं है। आप बताओ उसको कि ये सारे के सारे पेड टूल्स हैं। एक और टूल भी है, उसको भी यूज कर लेना बेशक, यहाँ पे नाम लिखने के लिए आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट पकड़ने में आसानी हो जाएगी। उसका नाम है कीवर्ड शिटर। ठीक है, ये एक और टूल है keywordshitter.com। यहां पे आपने जो भी लिखा है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉ बेरी स्विस रोल, आप लोगों को बता रहा हूं टूल्स, ये भी फ्री टूल है। आप लोगों को टूल्स ही इस वजह से बता रहा हूं ताकि आप लोग जब प्रोजेक्ट को पिक करो ना, तो क्लाइंट के मुंह के ऊपर मारो कि भाई हम लोगों ने इतने टूल्स को इस्तेमाल करना है और इतनी हाई क्वालिटी का काम हम लोगों ने आप लोगों को करके देना। ये सारे के सारे अब ये टूल्स निकालना शुरू कर दिए, इसे टूल्स कह रहा हूँ, कीवर्ड्स निकालना शुरू कर दिए। ये जो निकाल रहा होता है ना, ये गूगल सर्च की बेस के ऊपर निकाल रहा होता है, बस इसको आप बंद कर दो, जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करोगे ना तो वो निकालता जाएगा, निकालता जाएगा, निकालता जाएगा, निकालता जाएगा। ये एक क्लिक के ऊपर इसने इतने सारे टूल्स आपको निकाल के दे दिए, स्ट्रॉबेरी स्विस रोल, स्ट्रॉबेरी स्विस रोल रेसिपी, स्ट्रॉबेरी स्विस रोल लिटिल डेबी, स्ट्रॉबेरी स्विस रोल केक लिटिल डेबी, कैलोरीज फिलिंग रेसिपी इजी वॉलमार्ट इंग्रेडिएंट्स और एक्सवाइजी। ये आप लोगों को इतने सारे टूल्स इसने, इतने सारे कीवर्ड्स इसने यहां पे भी निकाले, कीवर्ड शिटर। ये आप सारे के सारे टूल्स उसको बताओ, फिर उसको बताओ भाई हम तुम्हें रिपोर्ट्स भी देंगे, सारी की सारी रिपोर्ट्स देंगे हम तुम्हें, ऊबर सजेस्ट की रिपोर्ट देंगे हम तुम्हें, मॉस की रिपोर्ट देंगे हम तुम्हें, सर्फर की रिपोर्ट देंगे, तमाम की तमाम हम आपको रिपोर्ट देंगे। उसके बाद आप कंपेटिटर्स एनालिसिस भी कर सकते हो, क्या सकते हो कि हम आपको कंपेटिटर एनालिसिस भी करके दे सकते हैं। कंपेटिटर एनालिसिस क्या है, यह अभी हम लोगों ने किया था, कोई भी जो कंपेटिटर है, ये हमारा कंपेटिटर था जिसका आर्टिकल रैंक हुआ हुआ था, उसके आर्टिकल का हमने URL उठाया और मॉस पे जाके पेस्ट कर दिया, हमें पूरा का पूरा समझ में आ गया कि ये कितने कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रहा है अपने आप को। ठीक है, उसके बाद एक और भी चीज होती है, फिलहाल आप उसको समझो मत,
सिर्फ देख लो, समझना नहीं है इसको। वो चीज क्या होती है कि हमने क्या किया, हमने उबर सजेस्ट खोला, उबर सजेस्ट पे हमने अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को डाल दिया, ठीक है। उसने ये सारे के सारे वेबसाइट को हमने डाल दिया, तो उसने बताया कि ये आपकी ये वेबसाइट ना इन पेजेस के ऊपर रैंक, इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको कहता हूं कि ये तमाम की तमाम इन चीजों के ऊपर रैंक्ड है, इनका मुझे बैकलिंक्स निकाल के दो। बैकलिंक्स क्या होता है अभी समझने की जरूरत नहीं, बैकलिंक्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं अभी समझने की जरूरत नहीं। टॉप पेजेस पर ट्रैफिक पे जाओ, ठीक है। यहां पे आपको जो ये वेबसाइट थी इसने इसके सारे के सारे आर्टिकल्स बता दिए जो कि टॉप के ऊपर रैंक है, या पेजेस बेसिकली टॉप के ऊपर जो रैंक है इस वेबसाइट। ये व्यू ऑल पे जाओगे तो इसके बैकलिंक्स की लिस्ट खुल जाए, क्लाइंट को आप एज इट इज ये बैकलिंक्स के लिंक्स सेंड कर सकते, तमाम के तमाम लिंक्स अपनी शीट में डाल के ये सारे के सारे लिंक्स हैं, बैकलिंक्स हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटर ने इस्तेमाल किए। बैकलिंक्स क्या होते हैं आप अभी फिलहाल मत समझो, बैकलिंक्स को इस्तेमाल कैसे करना है आप इस वक्त इसको मत समझो। हम लोग करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इसको, जब नेक्स्ट वीक करेंगे तो आपको ये बात समझ में मजीद आ जाएगी, लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए ये चीज समझना काफी है, इनफ है कि आप एज इट इज ये सारे के सारे जो लिंक्स हैं यहां से कॉपी करके, ठीक है, या आप उसको सेंड कर सकते हो क्लाइंट को, ठीक है। ये सारे के सारे लिंक्स हैं। अच्छा जी, आप जरा हाथ रेस करना शुरू कर दो, जिस जिसका जो सवाल है। कीवर्ड शेटर पुशरा कीवर्ड उसके लिए है, कीवर्ड आइडियाज के लिए, मतलब मजीद कीवर्ड्स निकालने के लिए। LSI कीवर्ड्स का फायदा गुलजमान ये होता है कि आपको SEO में आसानी हो जाती है, और क्लाइंट के साथ जब आप बात करोगे तो उसको आपने कहना है कि भाई मैं LSI कीवर्ड्स भी दूंगा, मैं ये सारी सारी चीजें तुम्हें दूंगा, मजाक नहीं है। जो आप लोग रिपोर्ट दोगे वो बहुत हाई क्वालिटी की रिपोर्ट होगी। सर गिग कब बनाएंगे, गिग आप आज बना सकते हो कीवर्ड रिसर्च। सर मॉस का कब फ्री वर्जन मिल सकता है, मॉस का फ्री वर्जन जुल्कना दे तो दिया मैंने। अच्छा सना चौधरी,